JSSC CGL 2023 की परीक्षा तीनों पाली में आज संपन्न हो चुकी है और पहला दिन जो संपन्न हुआ है परीक्षा, उसमें हम जो अभ्यर्थी यहां से एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा उनका एग्ज़ाम गया, कैसी तैयारी थी, बताइए कैसा एग्ज़ाम गया? बढ़िया गया। तैयारी कैसी थी? तैयारी लगभग ठीक ठाक था। पेपर वन बढ़िया था, टू था या थ्री? पेपर वन ठीक था, पेपर टू थोड़ा टॉप लगा और पेपर थ्री आसान था। चलिए, क्या नाम हुआ? तपन कुमार मोदी। कहाँ से हैं? चंदन क्यारी, बोकारो। चलिए, बोकारो से हैं। ये बताइए भैया, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। रुक जाइए। क्या है? तो और अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम ठीक गया, लेकिन पेपर टू थोड़ा सा हार्ड था। पेपर टू हार्ड था। पेपर थ्री कैसा था रीजनिंग का? पेपर थ्री ठीक था। पेपर टू ठीक था। पेपर टू में क्या है, जीके था? नहीं, पेपर टू में वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज वाला जो हिंदी था ना, वो थोड़ा हार्ड लगा था, क्योंकि पढ़ के नहीं आए थे ना इसलिए। तो पेपर टू कई छात्रों को जो है, अभ्यर्थियों को हार्ड लगा है, कुछ और हैं उनसे बात करते हैं। बताइए कैसा रहा पेपर टू? पेपर टू बढ़िया रहा, 80 को कम से कम मार दिया, अटेम्प्ट कर दिया। थर्ड पेपर कैसा था? थर्ड पेपर भी बढ़िया रहा, उसमें भी ऐसे। शाकिर अंसारी। कहाँ से हैं? बोकारो से। बोकारो से हैं। आप बताइए भैया, कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम ठीक था, बहुत बढ़िया। ना बढ़िया नहीं, लेकिन एवरेज एवरेज रहा। कोई पेपर हार्ड भी था? मैं थोड़ा सा। कैसा गया आपका पेपर? परसेंट तो बढ़िया था और थोड़ा टफ भी था, लेकिन बन गया। पेपर लीक की संभावना तो इस बार नहीं हुई? पेपर लीक की संभावना नहीं है इस बार, बहुत अच्छा। मैं कहा कि हर पेपर सील पे साइन हो रहा था, उसके बाद ही सील खोला जा रहा था। पांच अंदर की व्यवस्था कैसी थी? अंदर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, चेक वगैरह बढ़िया से सब कुछ एकदम प्रॉपरली चेक हुआ है। थंप लिया गया, फोटो खींचा गया, उसके बाद कैमरा चल रहा था चारों तरफ से। चलिए, तो संतुष्ट हैं एग्जाम से? हाँ सर, संतुष्ट। रियल पे भरोसा है? हाँ, रियल पे भरोसा। क्या नाम? धनेश कुमार दास। कहाँ से? बोकारो। आप बताइए भाई जी, कैसा गया एग्जाम आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कंडक्ट किया इस बार एग्जाम। अच्छा, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी 1:30 बजे तक के लिए। ओके, आप लोग को तो परेशानी नहीं हुई, लेकिन हम लोग का लोकेशन खोजने में परेशानी हुई, स्कूल का लोकेशन खोजने में आप लोगों को परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई स्कूल का लोकेशन खोजने में। एग्जाम अच्छा गया है, कॉस्टिंग का लेवल बहुत अच्छा था। क्या नाम हुआ? विष्णु कुमार। कहाँ से? बोकारो। अच्छा, सारे बोकारो वालों का यहीं पर आए यहाँ पर? बोकारो के भी आप आइए इधर। कहीं जॉब कर रहे हैं आप अभी? नहीं। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। सारे मेल ही हैं, फीमेल भी आई थी? नहीं, सिर्फ मेल है। यहाँ सिर्फ मेल कैंडिडेट हैं। कौन कौन सा पेपर बढ़िया गया? जीके और हिंदी। सही पेपर लगा, ठीक है। हाँ, सभी ठीक है। हाँ, आप बताइए एग्जाम आपका? एग्जाम ठीक ठाक था। अच्छा, हाँ, लैंग्वेज पेपर बहुत ईजी था। अच्छा, लैंग्वेज हिंदी अच्छा गया? हिंदी भी अच्छा था, फर्स्ट पेपर भी ठीक। रीजनिंग? मैथ थोड़ा टफ था, रीजनिंग वगैरह सब ठीक था, मैथ थोड़ा टफ था। है ना रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, उम्मीद है बन जाएगा। हम क्योंकि कोई संभावना तो नहीं बनी इस बार? ना ना ना, एकदम बढ़िया गया, एकदम फेयर एग्जाम रहा है। अंदर में भी एकदम पूरा शांति पूर्ण तरीके से परीक्षा हुआ। पिन ड्रॉप साइलेंस दिखा क्या? क्या बोले सर? पिन ड्रॉप साइलेंस था क्या? एकदम फुल्ली साइलेंस था, एकदम लग ही रहा था कि हाँ एग्जाम में हॉल में बैठे हुए। क्या नाम है? प्रशांत कुमार। कहाँ से हैं? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। चलिए, तो अभी हमने तकरीबन 10 से अधिक छात्र जो अभ्यर्थी थे उनसे हमने बात की है, और भी लोग आ रहे हैं भाई। एक मिनट रुक जाइए, कैसा गया एग्ज़ाम बताइए? एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया, बस सिलेबस थोड़ा लेंदी था, उस वजह से थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, बस एग्ज़ाम ठीक ही था, एवरेज था। एवरेज गया। आप बताइए तो भाई जी, कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया गया, क्वेश्चन ठीक लेवल का था, ऐसे पेपर टू में थोड़ा था क्वेश्चन, और लेकिन इस बार जो मतलब नेट उट बंद कर दिया था, इसमें सुबह सुबह थोड़ा मतलब सेंटर खोजने में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा परेशानी हुई, बाकी सब ठीक था। क्या नाम होगा? मेरा नाम अचित कुमार रजक हुआ। कहाँ से? नहीं, बोकारो से। बोकारो से? बोकारो के काफ़ी कैंडिडेट हैं, आप भी इधर आइए भाई जी। आप भी बोकारो से हैं? हाँ। कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम तो नहीं गया है उतना ठीक। अरे, तो फिर कौन सा पेपर हार्ड लगा? हार्ड सभी है, हार्ड थोड़ा थोड़ा। चलिए, आप बताइए। तो भी जो है बढ़िया गया। सब बढ़िया? सब बढ़िया नहीं, हिंदी थोड़ा टफ था। चलिए, तो लगभग जितने भी कैंडिडेट से हमने बात की है, दर्जन भर से अधिक कैंडिडेट से बात की है, तमाम अभ्यर्थियों ने यह बताया है कि पेपर किसी के लिए वो हार्ड था, किसी को पेपर वन हार्ड लगा, किसी को पेपर टू हार्ड लगा, हालांकि पेपर थ्री सभी के लिए इजी था, लेकिन किसी को मैथ में परेशानी हुई, तो किसी को रीजनिंग में परेशानी हुई, तो किसी को
लैंग्वेज में परेशानी हुई। कुछ लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की थी जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई, लेकिन ओवरऑल जो व्यवस्था थी उससे काफ़ी अभ्यर्थी जो है संतुष्ट दिखे। इसके अलावा जो इंटरनेट सेवा सुबह में बंद कर दी गई थी उसके वजह से भी कुछ परेशानी हुई अभ्यर्थियों को सेंटर ढूंढने में, लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड सरकार ने जो इस बार व्यवस्था की थी वह काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था थी। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी, धनबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थे, पुलिस के तमाम जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी थे, सभी लोगों ने अपना 100% देने का काम किया, जिसके वजह से एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ज़िले में कहीं पर भी शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न नहीं हुई, कोई पेपर लीक की शिकायत नहीं आई, कहीं पर कोई हंगामा नहीं हुआ। तो ऐसे में आने वाले वक्त में इसका बेहतर रिजल्ट झारखंड सरकार अपने इसी कार्यकाल में देगी, इस बात से भी इनकार फिलहाल तो नहीं किया जा सकता है। बहरहाल देखना यह होगा कि कल का जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से संपन्न होता है और उसके बाद इसका रिजल्ट कितना जल्दी आता है यह भी अभ्यर्थियों के लिए मायने रखेगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।